माहेश्वरी समाज के 5156वें माहेश्वरी वंशोत्पत्ति दिवस महेश नवमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सोमवार को माहेश्वरी बंधुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। पाली बाजार माहेश्वरी भवन से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा का समाज बंधुओं व शहर वासियों ने स्वागत द्वार बनाकर वे पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ निकली शोभा यात्रा में चुनरी की साड़ी में सजी धजी महिलाएं मंगल गीत गाती नजर आई। इस दौरान समाज के युवा व बुजुर्ग भी ढोल ताशों की धुन पर उल्लासपूर्वक नृत्य करते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज तथा विभिन्न संगठनों की ओर से रास्ते में स्वागत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहाँ पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों को शीतल पेय पदार्थ पिलाया गया। महेश जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा में निकली भव्य झांकियां सबका मन मोह रही थी। शोभा यात्रा में ढोल ताशों पर किया जा रहा नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। उक्त शोभा यात्रा माहेश्वरी भवन से होते हुए चमन चौराहा सनातन स्कूल मार्ग माल्यान चौपड़ तेलियान चौपड़ पांच बत्ती तथा पाली बाजार होते हुए पुनः माहेश्वरी भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान माहेश्वरी पंचायत बोर्ड कार्यकारिणी पूर्व के अध्यक्ष गण कार्यकारिणी सदस्य सहित युवा बोर्ड महिला बोर्ड तथा समाज के गणमान्य जन शामिल हुए। खुल गया ब्यावर में एकमात्र IVF सेंटर। जी हां, राठी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने संतानता दंपति के लिए एक स्वर्णिम अवसर। महिला एवं पुरुष की संतान संबंधी सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहां IBI, IVF, ICI सभी प्रकार की डिलीवरी की सुविधा, बांझपन निवारण सलाह व उपचार, संतान सुख न मिलना, गर्भपात होना, गर्भधारण न होना, महावारी का अनियमित होना, बच्चेदानी की समस्या, पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम होना, उन्हें गर्भधारण में कठिनाई होना और भी अन्य कई बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। राठी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, 2B/25 साकेत नगर, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 6367474384। राठी हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर ब्यावर का निजी क्षेत्र में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, जो अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से काफी निसंतान दंपतियों को लाभान्वित कर चुका है। और मैं समझती हूँ कि अब इस इलाज के लिए आपको ब्यावर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।